बड़ी खबर मध्य प्रदेश के शहडोल से है, जहां पर दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि शहडोल जिले में एक बार फिर से पूरा जिला शर्मसार हो गया। दो दिन पहले ही शहडोल के व्यवहारी में अवैध रेत माफियाओं ने एक एएसआई को ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया था। वहीं अब जिले से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कल्याणपुर में बीती रात 15 साल की किशोरी के साथ 5 अज्ञात लोगों के द्वारा सामूहिक गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल किशोरी 11वीं कक्षा की छात्रा है। शाम को घर से कोचिंग के लिए निकली थी। कोचिंग में ही अध्ययन करने वाला 12वीं कक्षा का उसका मित्र दोनों कोचिंग के बाद तकरीबन 8 बजे कल्याणपुर के जंगल में घूमने निकले थे। दोनों बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान किशोरी और उसके मित्र को आरोपियों ने पकड़कर जंगल में लगाए। किशोरी के मित्र को कुछ लोगों ने पकड़ लिया और बाकी लोगों ने बारी बारी से 15 वर्षीय किशोरी के साथ हैवानियत दिखाते हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता की शिकायत पर शहडोल जिले के कोतवाली थाना में अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस अज्ञात आरोपियों की सरगर्मी से पड़ताल कर रही है। घटना के बाद एडीजीपी दिनेश चंद्र सागर घटनास्थल पर पहुंचे और अज्ञात आरोपियों के ऊपर 30,000 रुपए की इनाम की घोषणा की है। नमस्कार, मैं डीसी सागर एडी शहडोल जोन। ये अत्यंत दुखद और संवेदनशील प्रकरण है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर में एक नाबालिग छात्रा, उसके द्वारा कल रिपोर्ट की गई, FIR तुरंत दर्ज की गई कि उसके साथ में अनेक लोगों द्वारा दुष्कृत्य किया गया है। यद्यपि आरोपी इसमें भी अज्ञात है, परंतु पुलिस पूरी संवेदनशीलता से, पुलिस अधीक्षक पूरी संवेदनशीलता से, पूरे व्यवसायिक ज्ञान से इसमें लगे हुए हैं कि आरोपियों की पतारसी की जाए और उनको पकड़ा जाए। बच्ची से भी संवेदनशीलता से महिला अधिकारी लोग बात कर रहे हैं और इसमें जो अज्ञात आरोपी हैं उनकी पतारसी, उनको पकड़वाने, अरेस्ट करवाने में जो मदद करेगा उसके लिए मेरे द्वारा 30,000 रुपये की उद्घोषणा की जाती है। मुझे उम्मीद है कि जनता इसमें संवेदनशीलता को देखते हुए यदि उनको जानकारी है तो पुलिस से ज़रूर शेयर करेगी और ऐसे दुष्कृत भविष्य में ना हो इसके लिए पुलिस एक्स्ट्रा चौकसी, एक्स्ट्रा सतर्कता बरते, ये मेरा पुलिस अधीक्षकों को एक तरह से निर्देश मैंने दिया है। और जनता से भी अपील है कि इस प्रकार के खुले एरिया में, जो एक जंगलनुमा एरिया है, वहाँ पर इस प्रकार से विचरण करने से वो बचें और यहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। इसके लिए भी मैंने निर्देशित किया है पुलिस अधीक्षकों को, क्योंकि सुनसान इलाका है, यहाँ पर पेट्रोलिंग समय समय पर रहे, विशेषकर जो शाम का समय होता है उसमें। सर, बच्ची कैसे आ गई थी, कहाँ पढ़ती थी, किसके साथ आई थी, क्या ये? बच्ची यहीं स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और बच्ची अपने एक मित्र के साथ, वो भी स्कूल में पढ़ता है, यहाँ पर वो विचरण करने घूमने आए थे। तो उनको विचरण करते देखकर कुछ लोगों ने लड़के को पकड़ के बंधक बनाया और बच्ची को बलात् लेके चले गए और रिपोर्ट के अनुसार उसके साथ में ये दुष्कृत्य किया गया है। पूरी संवेदनशीलता के साथ में इस प्रकरण में विवेचना की जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद। शहडोल से MS सैफी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।